वेलकम टू दिस चैनल। आज के जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की। ये नोटिफिकेशन आया है CDPO ऑफिस बफलियाज की तरफ से। सैलरी जो है इसमें वर्कर्स के लिए 5100 पर मंथ है, हेल्पर्स के लिए 2550 पर मंथ है। पहले टेबल में यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की डिटेल है, टोटल यहाँ पर दो वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट दूसरे टेबल में हेल्पर्स की डिटेल है, इसमें भी दो वैकेंसीज हैं। नेम ऑफ़ द पंचायत, वार्ड नंबर ऑफ पंचायत, आंगनवाड़ी सेंटर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद है सिलेक्शन क्राइटेरिया आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। एज जो है 1 जनवरी 2023 तक आपको कैलकुलेट करनी है, 18 to 37 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए J&K का। उसके बाद कैंडिडेट इलेक्टोरल वार्ड से होना चाहिए जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर की लोकेशन है। 10+2 पास होनी चाहिए। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं हैं। जिस कैंडिडेट की फैमिली से कोई रिटायर हो रहा है एज आंगनवाड़ी वर्कर्स आर हेल्पर, उसको एडिशनल 2 पॉइंट मिलेंगे सिलेक्शन में। नेक्स्ट हेल्पर्स के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एज जो है 18 to 37 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 तक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट इलेक्टोरल वार्ड से होना चाहिए जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर की लोकेशन है। 10th पास होनी चाहिए, इसमें 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशंस CDPO ऑफिस में सबमिट करनी है। लोकेशन है नियर 0 पॉइंट मुगल रोड ब्रिज बफलियाज। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 4 अक्टूबर 2023। एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनके ऑफिस से मिल जाएगा। इसी तरीके से हेल्पर्स के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म है और जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं।